जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम तनवीर अकरम एंड यू आर वाचिंग तनवीर अकरम एकेडमी। वेलकम टू द लेसन नंबर वन ऑफ करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम जो है आगाज़ करने जा रहे हैं। अपनी कंप्लीट प्लेलिस्ट होगी जिसमें आप करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है वो सीख सकेंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं कि ये वो वाले सेंटेंसेस हैं जिनको हम यूजुअली गलत लिखते और पढ़ते हैं, तो इनका सही क्या है, इनकी दुरुस्ती क्या है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होंगी और आपकी डेली लाइफ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट है ही इज़ सीनियर दैन मी। जो सीनियर है ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके बाद हम दैन इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सीनियर है ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश में आया है। तो इसका मतलब हुआ क्या हुआ कि लैटिन की लैंग्वेज जो है, लैटिन लैंग्वेज है, उसमें बहुत से एडजेक्टिव जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐड हुए हैं। अब उनका रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलिए इसको ज़रा अलग से इसको ज़रा सीखते हैं। लैटिन एडजेक्टिव जो हैं, जैसे सुपीरियर है, इन्फेरियर है, सीनियर है, जूनियर है, प्रायर है, आमतौर पर जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम दैन लिखते हैं, लेकिन ये जो लैटिन एडजेक्टिव हैं इनके बाद, इन तमाम के बाद हम दैन नहीं लिखते बल्कि हम टू लिखते हैं। तो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, प्रायर, ये जहाँ पर भी आएंगे उनके बाद हम टू का इस्तेमाल करेंगे, ना के दैन का इस्तेमाल करेंगे। नंबर टू है द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल जो है उसका मतलब होता है मवेशी, मवेशी खेत में चर रहे हैं। कैटल जो है वो कलेक्टिव नाउन है, यानी कि बहुत ज़्यादा जानवर जब इकट्ठे होंगे तो उनको हम मजमूई तौर पर कैटल कहेंगे। तो इसके लिए हम इज़ का वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि हम आर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से ये देखिएगा, इसका भी मैंने राइट लिख दिया, तो इसका जो कैटल जो है इसके लिए हम यूज़ करेंगे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नंबर थ्री, द विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। जो विजडम है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये जो टर्मिनोलॉजी मैं बोल रहा हूँ, ये जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके तमाम मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा। जो विजडम है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम दी या आर्टिकल नहीं लगाते हैं जब तक वो कोई मखसूस ना हो जाए या किसी ख़ास के बारे में ना हम ख़ास एब्स्ट्रैक्ट ना उसको बना दें, तब तक हम दी इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका जो राइट है वो ये होगा कि विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। उसके बाद है ही, यू एंड आई टोल्ड द न्यूज़। ये जो तीन सेंटेंसेस हैं इनको ज़रा गौर से दिखें वीडियो को पॉज करके और इसको हम सेपरेटली समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर आई, यू और ही, ये तीन वर्ड इन तीनों जुमलों में इस्तेमाल हुए हैं। जो आई है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ही जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर वन, ही यू एंड आई टोल्ड द न्यूज़। उसने, तुमने और मैंने खबरें बताई या खबर बताई। इसी तरह से आई, ही एंड यू विल हेल्प दी पुअर। अब गरीबों की मदद करना ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये खबर सुनाई है, ये एक न्यूट्रल एक्शन है, यानी कि एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है। किसी की हेल्प करना एक पॉजिटिव बात है। यू, ही एंड आई डिड नॉट ओबे टीचर्स ऑर्डर। टीचर्स ऑर्डर, उस्ताद का हुक्म ना मानना, ये एक नेगेटिव बात है, राइट। अब ज़रा इसको समझिएगा कि जब न्यूट्रल कोई बात हो रही हो तो उसमें सबसे पहले हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि यू को रखते हैं, ठीक है। दरमियान में हम जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ही को रखते हैं और एंड पर हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि आई को रखते हैं। मतलब ये कि जब न्यूट्रल बात हो रही होगी तो स्टार्ट में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा, एंड पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा और दरमियान में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा। अब अगला रूल, जब पॉजिटिव बात हो रही होगी तो फिर भी यही वाला रूल होगा, दरमियान में थर्ड पहल और स्टार्ट में सेकंड और एंड पर फर्स्ट। जब नेगेटिव बात हो रही हो तो थर्ड फिर भी दरमियान में आएगा, फर्स्ट और सेकंड की जगह बदल जाएगी। यानी कि जब नेगेटिव बात हो रही है तो फिर आई पहले और यू एंड पर आएगा। इसका राइट ऑप्शन जो है मैं आपको शो कर रहा हूँ, उसका राइट ऑप्शन ये है आपके सामने है कि जब पॉजिटिव न्यूट्रल बात है तो सेकंड पर्सन पहले आ जाएगा और थर्ड पर्सन
दरमियान में आ जाएगा। थर्ड पर्सन हमेशा दरमियान में आएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर एंड पर जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर एंड पर सेकंड पर्सन है। तो ये इनका रूल है। ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।